बहुत सारे बच्चे नीट के एग्जाम में ऐसी गलतियां करते हैं और खास करके ओएमआर फील करने में। मैंने अक्सर देखा है बच्चे को जब मैं टेस्ट ले रहा था तो किस तरीके से ओएमआर फील कर रहे हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से ओएमआर फील कर रहे हैं। ओएमआर फील करके आते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो कैसे मार्क्स मिलेगा? सही तरीके से अगर आप ओएमआर फील नहीं करोगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? तो ऐसे आप बहुत सारे ओएमआर को अगर आप इस टाइप से अगर आप फील कर रहे हो तो आप जरा गौर से देखो कि कैसे आप ओएमआर को फील कर रहे हो। फील करने का मैं आपको सही तरीका बताता हूं कि आखिर ओएमआर फील कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ओएमआर फील करने आपको बहुत ढंग से आने चाहिए। ऐसे में आप सही भी करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओएमआर को अच्छे से फील करना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि पूरे तरीके से रोल नंबर, बुकलेट नंबर और अपना सिग्नेचर वगैरह, नेम पेरेंट्स का, ये सारा आपको फील करना है अच्छे से। और ओएमआर फील करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे सर्कल है, तो आप क्या करोगे कि पहले एक सर्कल को ऐसे सर्कल में करोगे, फिर जाकर के आप इसको ऐसे फील करोगे पूरे अच्छे ढंग से, परफेक्ट सर्कल आपका फील होगा, ठीक है ना। तो ये फील करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आपने इसको फील करना है तो आप इसके सर्कल पे आप राउंड करोगे पहले और फिर उसको सर्कल को अच्छे ढंग से आप फील करोगे। देखो आप कितने अच्छे से ये पूरे तरीके से फील हो गया। तो ये गलती आप नहीं करें, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर्कल को बहुत ढंग से फील करें, ठीक है। एक और गलती बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको आप एक सर्कल कर लेते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है, दूसरा है, चलो इसको फिल कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या है, जो मार्क्स जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, जय।